the sexual reproduction, let us try to define what is clone. Clone, actually we define as progeny of single cell. एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स जब बनते हैं और ये सारे सेल्स दे आर आइडेंटिकल, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दे आर आइडेंटिकल विथ टू एस्पेक्ट्स. वन इज जेनेटिक एस्पेक्ट्स, जेनेटिकली, एंड अनदर वन इज मॉर्फोलॉजिकली. In the sense, the genetically all the number of genes or a genome and the external feature, external features, जिसके same है जो group के, उसको हम लोग बोलते हैं clone. अपनी simple language में एक original copy paper के हम लोग 100 xerox निकालते हैं. ये सारे xerox are identical. मीन्स क्वेश्चन जो भी है वो जो ओरिजिनल में वही जेरोक्स में, ऐसा नहीं होगा ना वो जेरोक्स में चेंज होगा नहीं, इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं. सो दिस इज वन थिंग. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो ये मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में वी गॉट two basic types, asexual reproduction and sexual reproduction. Method of reproduction, asexual and sexual. So in that, now focus on asexual method of reproduction. आपने recap किया, उसके बाद वापस से now let us come back to the asexual reproduction. Asexual reproduction के हमारे पास में basic method कौन से है, that we'll try to follow. तो सबसे पहला method जो है वो है fragmentation. As far as NEET is concerned, method example, that's it. थ्योरी में ये क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड मेथड इज बडिंग. बडिंग हमें यूनिसेल्युलर में मिलता है और मल्टीसेल्युलर में मिलता है. थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. अभी स्पोर तो अपना पीछा नहीं छोड़ रहे, स्पोर फॉर्मेशन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखते आ रहे. सो टाइम मिलता है, पॉज द वीडियो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाओ, वहां पे जितने भी टाइप के स्पोर्स है, जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, जो भी है वो वापस से रिकॉल करने की कोशिश करो. फॉर दैट यू कैन पॉज द वीडियो, बट करेंटली लेट अस ट्राई टू सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन. बेस्ट एग्जांपल इज स्पायरोगायरा. कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा ये? यस करेक्ट, एल्गी. बडिंग का एग्जांपल ईस्ट. ईस्ट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्यूलर सेल्स या यूनिसेल्यूलर showing budding. East belongs to which group? Absolutely correct, it is fungi. Spore formation example, spore formation के लिए we have a example, that is Chlamydomonas. Chlamydomonas, आपको पता है Chlamydomonas क्या है? Chlamydomonas is zoospore, or rather it is a flagellated. कैसा ये flagellated? अभी spirogyra में कैसा होता है? By one or another method, ये जो filamentous algae है, this filamentous algae at maturity breaks into more than one pieces.
बराबर है, और पीस करके पीस पीस के पीस हो जाएगा, पीस नहीं होगा बड़ा पीस हो जाएगा, मींस फ्रैगमेंटेशन के बाद में इट विल बिकम द न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैरेक्टर बदल होगा क्या? नहीं। सो व्हाट विल हैपन, कैरेक्टर बदलेंगे नहीं, इसलिए ये सारे क्या है तो सारे क्लोन्स है। ईस्ट बडिंग है, एक ईस्ट सेल है, इसके बॉडी पे ऐसे फोड़े आ जाते, फोड़े नहीं क्या बर्ड, एंड ये बर्ड ग्रो करता है तो नए नए सेल्स ग्रो करेंगे, मैच्योर हो गए दे गेट डिटैच्ड एंड फॉर्म हो जाएंगे। ईस्ट के बाद में यू गॉट अ क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास शोज द फ्यूजन, फ्यूजन आपने पढ़ा भी है, फ्यूजन अमीबा पैरामोशियम क्लैमाइडोमोनास युग्लिना ये सारे फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अभी क्लैमाइडोमोनास में हम बात करेंगे कि दे फॉर्म दी बायफ्लैजेलेटेड स्पोर, बायफ्लैजेलेटेड स्पोर्स कौन क्लैमाइडोमोनास, बराबर है। अभी इसके बाद में कुछ और भी मेथड्स है, और मेथड कौन से ये तो मेजर मेथड हो गए, अभी छोटे छोटे मेथड कौन से तो स्पोर फॉर्मेशन, ऑलराइट सॉरी स्पोर फॉर्मेशन तो लिखा है, बाइनरी फ्यूजन एल राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, दिस इज नॉट अ बॉयफ्रेंड दिस इज बाइनरी फ्यूजन, ऑलराइट। देन कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया के लिए वापस से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंजाई, फंजाई में चार ग्रुप्स है, कौन से आई डोंट नो इफ यू नो, ऑलराइट नहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट वी हैव कौन सा है जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, ऑलराइट। सो दीज ऑल आर दी मेथड्स जहां पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ऑलराइट। तो ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में है, यहाँ पे मल्टीसेल्युलर कोई भी नहीं है, तो ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके लिए अपना टेक्स्ट बुक का पेज जो आपको पीडीएफ आया है टेक्स्ट बुक का, उसका पेज 1 और 2 पे दिया है, एंड एनसीईआरटी फॉलो करो, इसमें एनसीईआरटी में इसके बेस्ट डायग्राम दिया है। तो इतने टॉपिक के लिए आपका काम क्या है, विल रीड फ्रॉम बोथ दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज पीडीएफ, देन यू विल राइट इसके शॉर्ट नोट्स एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम्स, ड्रॉ डायग्राम्स, ऑलराइट। नाउ जितने अपने वीडियो लेक्चर्स चल रहे उसके लिए व्हाट विल बी डूइंग, ये स्क्रीन शॉट पकड़ने का, इसको नोटबुक में पहले लिखना है, बाद में जो जो मैंने लिखने के लिए बोला है टेक्स्ट बुक में से इसके नोट बनाना है, डेट वाइज ये चाहिए, कभी भी रैंडमली आई एम गोइंग टू कॉल द पेरेंट्स एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम कि आपके बच्चों ने किया है या नहीं किया है। आई थिंक दिस इज डन फॉर टुडे, लॉट ऑफ होमवर्क इज फॉर यू, मोर इम्पॉर्टेंट टुमारो टेस्ट ऑन सेल डिविजन, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट मॉर्निंग अपलोड होगा, 1 घंटे के बाद में 1 घंटे के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना है, मॉर्निंग में कंप्लीट होने के बाद में इवनिंग आई विल गिव यू द आंसर कीज फॉर दैट, ठीक है, थैंक यू।